गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि शाम के हमने बजा दिए 4, सुबह से व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला यार, काफी बिजी थे। वही घर का सफाई वफाई जो चल रही है आजकल, अपना साइड वाले प्लॉट में अपना पेंट का काम होने वाला है, तो इस चक्कर में अपना पूरी ही हमने क्लियर कर रखा है सारा कुछ, और पूरा एकदम शुरू से काम कराएंगे बढ़िया करके सुंदर सा, ठीक है। बाकी मेरे को मम्मी को भी जाना है, अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या सिस्टम है उसका, बर्थडे पार्टी है या क्या है, तो उस पर जाना है। एक बार मैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहा था, बट चलो हो गया, अब कौन सा शाम को कोल्ड स्टार्ट होता है बट कोई बात नहीं, कल से बंद थी ना, तो एक बार खोल लो तो सही रहता है, ठीक है। बाकी हम निकल रहे हैं, मेरे को नहीं पता किस साइड पे जाना है, क्या जाना है, मम्मी आएगी तो बताएंगी। मैं आ गया था थोड़ा गाड़ी में, एक दो कपड़ा वपड़ा मारने, और बस चलते हैं, फिर बताते हैं आगे का। और भाई जो मैं हमेशा कहती हूँ, देहरादून का वेदर बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, मतलब ऐसा अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ देखो ये अंकल लोग जैकेट में है, ठीक है, और वो लोग जैकेट में, मतलब बहुत धूप हो रही थी, और अब हो गया मौसम बिल्कुल, कभी भी किसी भी टाइम पे बारिश निकल सकती है। मतलब हम लोगों को भी बाइक से जाना था, बट बारिश को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि उससे चलते हैं, कार से ही, ठीक है, क्योंकि बाइक से अपना सही पड़ता है, क्योंकि जहाँ में जाना है वहाँ थोड़ी गलियाँ वलियाँ टाइप का सा ऐसा रास्ता है, और उससे जाओ तो ठीक रहता है, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। वही मैं कह रहा ना, देखो जिसको देखो वो स्वेट शर्ट में जैकेट में ऐसा आ रहा है, ये देखो हुडीज में, क्योंकि अभी तक जो था मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, ठीक है, अब अचानक से, मतलब नॉट एग्जैक्टली ठंडा, कुछ लोग जो है वो टी शर्ट में भी है, जैसे मैं हूँ, ये जा रही है आगे से, ठीक है, ये भाई जा रहा है, तो सुबह के टाइम पे ठंडा है, नो डाउट ठंडा है, ठीक है, दिन होते साथ ही आपकी गर्मी हो जा रही, और अब जैसे हो गया, अब अंधेरा, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल बारिश जैसा टाइम का सा, अब शाम को जाएंगे वापस से ठंडा सा हो जाएगा, बारिश होगी तो बात अलग है। और ये आ गई मम्मी, भाई गाइस देखो ब्यूटीफुल, इग्नोर कर रही है मम्मी, अच्छा आवाज नहीं जा रही होगी बाहर तक, क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, हेलो हेलो गाइस ब्यूटीफुल, है जल्दी इतना ही मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या कितनी जल्दी निकला आपका, ठीक है, क्या कह रहे हो, गाइस ये हो रहा है परफेक्ट यूज फ्लाईओवर का, ये हमारी गाड़ी की स्पीड है और ये यहाँ मजे ले रहे हैं, हॉर्न हॉर्न पे भी साइड नहीं मिल रही है, और बिना हेलमेट, बिना हेलमेट, और पता है क्या हुआ, अभी मैंने हॉर्न मारा, ये यहाँ चल रहे थे कोने में, ये जान के बीच में आ गए छेड़ लेने को, और ये है हेलमेट है जिसमें ये पापा का परा बन जाएगा ब्रेक लगा के चल, हाँ जानबूझ के कर रहा है वो, देखो ना मतलब बदतमीजी, देखो अच्छा उसने बिल्कुल ही मार दी, तो मजा आ रहा ना मुझे भी, एंजॉय, आपको आ रहा मुझे थोड़ी ना आ रहा, एंकर स्पीड ही नहीं, ये देखो भाई ये देखो, और जबकि मैंने रेस छोड़ रखी है, रेस पे पैर नहीं है मेरा, तब इसकी हाल है, क्या करे लोगों का, जबरदस्ती के छेड़ा है उसके बिना मतलब के, स्लो राइड भाई साहब, गाइज अपन वहाँ से निकल चुके हैं एकदम ट्रैफिक के बीच में, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये कैसा तरीका है गाड़ी लगाने का, बीच रोड पे टेढ़ी गाड़ी लगा के छोड़ दी उन्होंने, ठीक है। और गाइज आज मम्मा और डैडी जा रहे हैं डेट पे, कैसा लग रहा है आपको मम्मा, हैं दुख हो रहा है क्या आपको दुख हो रहा है आपको, हम डेट पे नहीं जा रहे, हम मूवी देखने जा रहे, तो मूवी डेट हो गई ना आपकी, शर्म नहीं आती क्या बेटे के सामने, ऐसी डेट बताऊंगी, बेटे के सामने क्यों बताओगी, बेटा बेटे ने तो टिकट बुक करी है, हाँ तो गाइस फ्लैग्स चेंज हो बतावा, देख लो ये देखो कैसे हुआ, मेरे कौन सा फ्लैग चेंज हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो रेड लाइट के पीछे, और ये ग्रीन लाइट पे भी ना चल रहे, मेरे को बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है, मेरे को लो आप
जूम से हटाओ पहले इसे, हट गया क्या? मुझे बहुत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जो ये औरत रिकॉर्डिंग कर रही है ना, ये अकेले अकेले मूवी जा रहे हैं, वो भी सेम मूवी जिसके लिए कल परसों मैंने डैडी को बोला कि हम दोनों मूवी चलते, मतलब हम चारों मूवी चलते हैं, तो डैडी ने मुझे इतना बुरा जवाब दिया कि तेरे साथ पिक्चर देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। हाँ तो है? हाँ? और फिर अपनी बीवी को डेट पे लेके जा रहे हैं। आई एम फीलिंग हार्ट ब्रोकन। और जब तू अपनी बीवी के साथ डेट पे जाएगा तो हमें लेके जाएगा क्या? तो उसमें है अभी 7-8 साल, तब तक के लिए क्या करे आदमी। हाँ तो भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। ठीक है छोड़ो, तुम फ्लाईओवर का मजा लो। वहां से लौट के मैं घर आ गया था और मेरा ना गिफ्ट हो गया अपने यहाँ पे, जो वो काना रहता था छोटा सा बच्चा, उसका आज बर्थडे है। अब तो उन लोगों ने कहीं पे और रूम ले लिया है, मतलब चेंज कर लिया उन्होंने यहाँ से, बट उसका बर्थडे है तो उसकी दीदी की कॉल आई थी, मतलब तो वो एक बार चल रहे हैं और ये गिफ्ट कर दिया मैंने, इसको पैक करवा लेता हूँ फिर एक बार उसको विश करके आता हूँ। बाकी और कोई नहीं जा रहा, जैसे कि मैंने बताया था मम्मा पापा तो चले गए हैं मूवी डेट पे अपनी, ठीक है, वो लोग बहुत टाइम से कहीं गए नहीं थे यार बाहर पे, तो आज हम कहने लगे तो वो चले गए हैं, और साथ में शोना का कल एग्ज़ाम है तो शोना भी नहीं जा रही है। भाई बर्थडे गर्ल को डांस नहीं आता, बर्थडे गर्ल को कोई डांस नहीं आता, ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई है। कन्नू कन्नू बेइज्जती वाली बात, इतना बुरा तो मैंने कभी किसी के साथ होते हुए नहीं देखा, बर्थडे के दिन बेइज्जती। और सोच अब जब ये ब्लॉग वाले लोग देखेंगे क्या सोचेंगे तेरे बारे में। कन्नू पूरी पब्लिक देखेगी अब तो बेइज्जती है। क्या दोनों बर्थडे पार्टीज निपटा के मैं जस्ट घर आया हूँ, अब ऑलमोस्ट सोने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो जो चैनल बनाए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही दें याद से, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इधर आ रहा होगा ऊपर की तरफ अगले उसमें, तो यहाँ से सब कर दें उसके साथ, ताकि भैया आप कोई भी व्लॉग मिस आउट ना करें। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम। दुनिया में सबसे न्यारा दत्ता का छोरा, दुनिया में सबसे न्यारा दत्ता का छोरा।